हैप्पी न्यू मून डे टू ऑल माई लवीज आर्मी। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ फेब्रवरी मंथ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और न्यू मून डे का क्या मैसेज है यूनिवर्स का, हमारी एंजल्स का, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन करना क्या है, तीन पाइल निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। अपनी आईज क्लोज करिए, अपना क्वेश्चन बस यूनिवर्स से पूछिए कि आपको किस चीज का जवाब चाहिए, और मैं अब आपके लिए पाइल्स निकालने वाली हूँ। Now let's begin कि एंजल्स का क्या मैसेज है मेरी लवीज आर्मी के लिए। सो दिस इज फॉर द पाइल नंबर 1, मैंने निकाल लिया है, एंड पाइल नंबर 2 भी मैंने निकाल लिया है, जल्दी वाली रीडिंग करूंगी भैया आज, एंड दिस वन पाइल नंबर 3। सो आई हैव 3 कार्ड्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। नाउ आई हैव 3 पाइल्स, जिनने पाइल नंबर 1 चूज करा है, लेट्स सी यूनिवर्स का, एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। वाओ, इफ यू बिलीव, अगर आपको ट्रस्ट है तो सब कुछ आपके लिए लाइफ में पॉसिबल है, इसलिए ट्रस्ट द यूनिवर्स, अपने आप पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, आपके लिए सब कुछ मिराकुलस होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करा है उनके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। वाओ, पीसफुल रेजोल्यूशन, अपने आप को एकदम शांत रखो, इतना ज़्यादा ओवरथिंक करना, इतना ज़्यादा यू नो खुद को हार्म करना सही नहीं है। रोना, नेगेटिविटी, इट्स ऑल यू नो द थिंग्स जो आपको नेगेटिव बनाती है एज अ ह्यूमन, इसलिए सिर्फ शांति के साथ डू मोर ऑफ मेडिटेशंस करो, लिसन टू माई सेल्फ लव मेडिटेशंस, चैंट मंत्रास, बहुत अच्छा होने वाला है ये मंथ आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें लेकर आने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पाइल 3, यूनिवर्स एंजल का क्या मैसेज है। लेट गो, चीजों को टोटली लेट गो कर दो, इतना ज्यादा ओवरथिंक करना, इतना ज्यादा टेंशन लेना, मैनिफेस्टेशन कब होगी, इसका रिजल्ट कब मिलेगा, सब सोचना बंद कर दो और यूनिवर्स को, डिवाइन को टाइम दो। ये महीना बहुत मैजिकल है, लेकिन अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ को छोड़ दो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, सब कुछ आपके लिए आने वाला है। फिर से बताना चाहती हूँ, जिनका पाइल नंबर 1 था, दिस न्यू मून डे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं खुद पे भरोसा रखते हो तो सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए, इसलिए ट्रस्ट रखो एंड आराम से रिचुअल्स करो, खुशी के साथ एवरीथिंग, सब कुछ होने वाला है आपके लिए जो आप चाहते हो। पाइल नंबर 2, पीसफुल रेजोल्यूशन, खुद को बहुत ज़्यादा शांत रखो, इतना ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं खुशियों वाली, लेकिन सबसे पहले खुद पे ध्यान दो और खुद को हैप्पी रखो। पाइल नंबर 3, लेट गो, टोटली सब कुछ यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन अपनी टेंशन को, अपने नेगेटिव बिलीफ को, सबको लेट गो कर दो, क्योंकि लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। मैजिक प्रैक्टिस आज से स्टार्ट होने वाली है, तो हम बहुत अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। वेरी ब्यूटिफुल पाइल्स टुडे, कैसी लगी, कौन सी पाइल आपने चूज करी थी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, राधे राधे।